नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त फूल कुमारी। आज मैं आपको यजुर्वेद के उपनिषदों में से एक मंत्र सिखाऊंगी। नमस्कार दीदी, किस देवी देवता का मंत्र है ये? किसी देवी देवता का नहीं, यह एक शांति मंत्र है जिसे बोलकर आपको भी असीम आत्मविश्वास और दिव्यता की अनुभूति होगी। तो आओ ये मंत्र सीखें। एक बार पूरा मंत्र सुनो और फिर मेरे पीछे पीछे दोहराना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बहुत अच्छे, आओ अब इस मंत्र का शाब्दिक अर्थ कुछ शब्दों को तोड़कर या संधि विच्छेद कर समझें। ओम पूर्णम अदह यानी पूर्ण उधर है, यानी परमात्मा या वो ज्योति पुंज जो हर प्राणी के प्राणों का स्रोत है, वह उधर अपने आप में पूर्ण है। पूर्णम इदम, इदम यानी यहाँ, यहाँ भी पूर्ण है, यानी हम सब जो उस पूर्ण से उपजे हैं, वे भी अपने आप में पूर्ण ही हैं। हम उस अपार शक्ति के छोटे से अंश नहीं, बल्कि अपने आप में उस शक्ति की ही तरह संपूर्ण हैं। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते यानी पूर्ण से ही पूर्ण उदच्य होता है या निकलता है। जैसे कि जब माता शिशु को जन्म देती है तो शिशु माता के ही शरीर से उपजता है, बनता है और जन्मता है, परंतु जन्म के बाद वह स्वयं में पूर्ण मनुष्य होता है, माता के शरीर का कोई छोटा हिस्सा नहीं। उसी प्रकार संपूर्ण जगत को चलाने वाली ऊर्जा, जिससे हमारे शरीर में भी ऊर्जा आई, उसने हमें भी पूर्ण ऊर्जा के रूप में ही जन्म दिया है। हमारे अंदर भी उतनी ही शीतलता और शक्तिशाली ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है। पूर्णस्य पूर्णम आदाय यानी पूर्ण से जब पूर्ण का या हमारा जन्म होता है तो पूर्ण में कुछ घटता नहीं है। पूर्णम एवाव शिष्यते, वह अब भी पूर्ण ही रहता है। समझे? कुछ तो समझा हूँ। जैसे शून्य में शून्य जोड़ो तो भी शून्य रहता है, शून्य से शून्य घटाओ तो भी शून्य रहता है, वैसे ही पूर्ण या इन्फिनिटी या अनंत से पूर्ण निकालो या जोड़ो, पूर्ण तो पूर्ण ही रहेगा। जहाँ से निकला वह भी और जो निकला वह भी, ना पूर्ण निकलने से पूर्ण घटा और ना पूर्ण के पूर्ण में मिलने से पूर्ण बढ़ा। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है दीदी, समझ तो गया, पर क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम ईश्वर या ब्रह्म से निकले हैं और हम स्वयं भी ईश्वर हैं? हाँ बिल्कुल, इसका यही मतलब हुआ। ये तो आप सबने सुना ही है कि हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। बस तो जिस प्रकार आपकी माता आपको जन्म देकर अपनी ही तरह पूर्ण मनुष्य ही बनाती है,
अपने से छोटा या अधूरा मनुष्य नहीं, उसी प्रकार उस पूर्ण या ईश्वर से उत्पन्न आप और हम भी पूर्ण ईश्वर बनने की क्षमता रखते हैं। जिस प्रकार छोटा सा बीज पूरा वृक्ष बनने की क्षमता रखता है, हम में भी श्री कृष्ण, श्री राम, माता सीता या गौरी बनने की क्षमता है। जब हम स्वयं उस पूर्ण से ही उत्पन्न हुए हैं, तो हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। यानी हम भी मन में जो ठान ले वह करने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं। आपने ठीक कहा था दीदी, इस मंत्र को बोलकर और इसका अर्थ जानकर तो हम पूर्ण आत्मविश्वास से भर गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आज के लिए बस इतना ही। आओ अंत में एक बार फिर इस मंत्र को साथ में इस धारणा के साथ बोले कि हमारे सभी दैहिक, दैविक और भौतिक ताप शांत हों। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।